बात चाहे बॉलीवुड की हो या फिर साउथ इंडस्ट्री की, हर जगह एक्ट्रेस कभी बूढ़ी नहीं होती है। इसलिए तो वो सभी एक्ट्रेसेस जहां अपनी करियर की शुरुआत में एक मशहूर एक्टर के साथ फिल्मों में रोमांस करती हुई नजर आती हैं, तो वहीं कुछ सालों बाद वो एक्ट्रेसेस उसी पहले वाले एक्टर के बेटे के साथ भी रोमांस करती हुई नजर आती हैं। हमारी बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री में ऐसी कई अभिनेत्रियां हैं जिन्होंने फिल्मी पर्दे पर बाप और बेटे दोनों के साथ रोमांस किया है। और मजे की बात तो दोस्तों ये रही है कि उस अदाकारा की जोड़ी बाप और बेटे दोनों के साथ दर्शकों ने बेहद पसंद की है। तो इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड और साउथ के उन्हीं 10 एक्ट्रेसेस से रूबरू करवाएंगे जो कि पर्दे पर बाप और बेटे दोनों के साथ रोमांस कर चुकी हैं। तो फिर आइए जल्दी से जान लेते हैं कि कौन सी हैं वो एक्ट्रेसेस। नंबर 10, तमन्ना भाटिया। साउथ में मिल्की ब्यूटी के नाम से मशहूर अभिनेत्री तमन्ना भाटिया ने जहां अभिनेता चिरंजीवी के साथ सरे रा फिल्म में रोमांस किया था, तो वहीं दूसरी तरफ उनके बेटे रामचरण के साथ भी रचा फिल्म में ये पर्दे पर रोमांटिक होती हुई नजर आई हैं। पर 9, आदिति राव हैदरी। खूबसूरत अदाकारा आदिति राव हैदरी ने जहां एक तरफ साउथ के सुपरस्टार रहे मामूती के साथ फिल्म प्रजापति में काम किया और उनके साथ रोमांस किया, तो वहीं अब ये जल्द ही उनके बेटे दुलकर सलमान के साथ रोमांस करते हुए उनकी अपकमिंग फिल्म हेर सिनामिका में नजर आने वाली हैं। नंबर 8, लावण्या त्रिपाठी। साउथ की बेहतरीन अदाकाराओं में शुमार अभिनेत्री लावण्या त्रिपाठी ने भी पिता और बेटे की जोड़ी के साथ रोमांस किया है, जहां साल 2016 में ये सौगात चेन्नई नयना में नागार्जुन के साथ पर्दे पर रोमांस करती हुई नजर आई, तो वहीं अगले ही साल इन्होंने नागार्जुन के बेटे नागा चैतन्य के साथ युद्धम शरणम फिल्म में रोमांस किया हुआ था। नंबर 7, हेमा मालिनी। हेमा मालिनी ने फिल्म सपनों का सौदागर से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, वहीं इस फिल्म में राज कपूर इनके हीरो थे, जिसके बाद हेमा ने राज कपूर के बेटे रणधीर और ऋषि कपूर के साथ भी पर्दे पर रोमांस किया है। नंबर 6, डिंपल कपाड़िया। अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया ने विनोद खन्ना और उनके बेटे अक्षय खन्ना के साथ फिल्म में रोमांस किया। ये जहां अपने करियर की शुरुआत में विनोद खन्ना के साथ खून का कर्ज और बंटवारा जैसी कई फिल्मों में रोमांटिक सीन्स देती हुई नजर आई, तो वहीं दूसरी तरफ इन्होंने विनोद खन्ना के बेटे अक्षय खन्ना के साथ फिल्म दिल चाहता है में स्क्रीन शेयर की थी। नंबर 5, रकुलप्रीत सिंह। साउथ से अपने करियर की शुरुआत करने वाली अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह आज बॉलीवुड में भी अपने अभिनय के झंडे गाड़ती हुई नजर आ रही हैं। जब तक ये साउथ में थी तो इन्होंने साउथ के मशहूर बाप बेटों की जोड़ी के साथ रोमांस किया है, वह है नागार्जुन और नागा चैतन्य, जहां नागा चैतन्य के साथ इन्होंने एक साउथ फिल्म इंडस्ट्री की फिल्म में रोमांस किया है, तो वहीं दूसरी तरफ नागार्जुन के साथ भी इन्होंने मन मधुहु सीजन 2 में नजर आई हैं। इस फिल्म में रकुल ने नागार्जुन के बीच एक बड़ा एज डिफरेंस होने के कारण उनके साथ काफी अच्छी रोमांटिक केमिस्ट्री शेयर की थी। नंबर 4, अमृता सिंह। बॉलीवुड एक्ट्रेस अमृता सिंह ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1983 में फिल्म बेताबी से की थी, जिनमें उनके को स्टार सनी देओल थे, जिनके साथ ये फिल्म में काफी रोमांटिक होती हुई नजर आई थी, तो वहीं आगे चलकर इन्होंने इनके पिता धर्मेंद्र के साथ सच्चाई की ताकत में काम किया, उन्होंने उनकी पत्नी का किरदार निभाया था और इसी फिल्म में इन्होंने खूब सारे रोमांटिक सीन्स भी दिए थे। नंबर 3, रानी मुखर्जी। साल 2001 में रानी मुखर्जी ने अभिषेक बच्चन के साथ फिल्म बस इतना सा ख्वाब है में काम किया और उनके साथ रोमांस किया, जिसके बाद युवा, बंटी और बबली और कभी अलविदा ना कहना जैसी फिल्मों में इन दोनों ही केमिस्ट्री ने बेहद ही शानदार दिखी थी। वहीं रानी ने अभिषेक बच्चन के पिता यानी के बिग बी अमिताभ बच्चन के साथ ब्लैक में काम किया। उस फिल्म के अंदर भी रानी मुखर्जी ने अमिताभ बच्चन के साथ एक रोमांटिक सीन क्रिएट किया था। नंबर 2, श्रीदेवी। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस श्रीदेवी ने भी इंडस्ट्री को कई सुपर डुपर हिट फिल्में दी हैं। श्रीदेवी ने फिल्म नाकाबंदी में धर्मेंद्र के साथ काम किया, तो वहीं धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल के साथ फिल्म राम अवतार में नजर आई थी। इन्होंने दोनों ही बाप बेटों के साथ स्क्रीन पर जबरदस्त केमिस्ट्री शेयर की थी, जिसके चलते दर्शकों ने इनकी दोनों एक्टर्स के साथ जोड़ी को बेहद पसंद किया था। नंबर 1, काजल अग्रवाल। काजल अग्रवाल भी उन्हीं अभिनेत्रियों में से एक हैं जिन्होंने फिल्मों में बाप और बेटे दोनों के साथ रोमांस किया। आपको ये जानकर ना बेहद हैरानी होगी कि इन्होंने साउथ के सुपरस्टार और खुद से दोगुने उम्र वाले चिरंजीवी के साथ कैदी नंबर 150 में रोमांस किया। वहीं ये बेटे रामचरण के साथ भी फिल्म नायक और मगाधीरा में रोमांस करती हुई नजर आई हैं। वेल, तो दोस्तों इनमें से आपको किस अदाकारा की जोड़ी, किस बाप बेटे की जोड़ी के साथ सबसे ज्यादा परफेक्ट और अच्छी लगी, आप हमें उनका नाम कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और साथ ही साथ साउथ फिल्म इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसे ही तमाम मसालेदार अपडेट से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।